हेलो गाइस, और आज कोई वेलकम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत अपसेट हूँ. मैंने अभी एक वायरल आंटी की वीडियो देखी है जो मेरी होम पेज पे आ रही थी, तो उस वीडियो को देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. तो अभी मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, मॉर्निंग में 8 o'clock हो रहा है ये देखो, और मैं सुबह सुबह ही ये वीडियो स्टार्ट कर दिए. ना मैं नहाई ना कुछ, मैं जैसे ही उठी हूँ ऐसे ही जस्ट मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ कि नहीं, मुझे उनको जवाब देना है कि एक वायरल आंटी है, एक मॉल में गई हैं और वहां पे किसी भी लड़की को उन्होंने बोल दिया है कि शॉर्ट ड्रेस जो पहनते हैं, तो जो शॉर्ट ड्रेस लड़कियां पहनती हैं उनके साथ रेप होना चाहिए. उन आंटी से जरा ये बताएं कि वो खुद क्या हैं, खुद एक ट्राउजर टी शर्ट में पहनी हुई है, गूगल्स लगाए हुए हैं, इंग्लिश बोल रही हैं, तो खुद क्या कर रही हैं, तो उसके बाद क्या उनके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी मॉडर्न है, कोई साड़ी वाड़ी थोड़ी ना पहनी हुई है उन्होंने. और आजकल की जो लड़कियां जो 2-2 साल के बच्चे के साथ, 6-6 महीने के बच्चे के साथ हो रहा है, क्या वो पूरे मतलब फुल कपड़े पहन के रहती हैं, या उनको उनके साथ कैसे हो रहा है ये सब. ये वो एक औरत हो के ये सब चीजें बोल रही हैं, ये मतलब उनको सोच भी नहीं रही वो चीज को, और साफ साफ वो बोल रही हैं. आप लोग देखना जरूर, वायरल आंटी के नाम से बहुत वायरल हो गई है एकदम से 2 दिन के अंदर अंदर. मैंने वो वीडियो जस्ट अभी देखी है और अभी मैंने तुरंत ही, मुझे बहुत गुस्सा है यार. एक आंटी हो कि आप इतनी एज में हो, मेरे ख्याल से 50-60 एज की आसपास की होंगी, वो ये चीज बोल रही है एक औरत होने के बावजूद. तुम यार एक औरत हो कि ये बोलोगे तो फिर तुम तुम्हारे, और शायद उनकी शायद बेटी भी नहीं है, मने कर रही है कि मेरी बेटी नहीं है, अगर बेटी होती तो तुम उनसे क्या एक जेल में रखती, उनसे उसे कुछ बाहर नहीं जाने देती, उसे कुछ करने नहीं देती. आजकल की लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं. हाँ, पहले के जमाने में था कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे और लड़कों के साथ खेलने नहीं देते थे, बहुत चीजें थी, मतलब बाउंडेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज के टाइम में ये सब चीजें नहीं है. और उन्होंने ये आज के टाइम में होके ये बोला है वहां पे, मतलब मैंने देखी है उस लड़की को बोला, बिगनी जो पहन के घूमती है उनके साथ रेप होना चाहिए, ये होना चाहिए. अरे तुम मतलब लड़कों को इन्वाइट करती है लड़कियां, क्या क्या से कैसे बोल सकती है यार, ये हद हो गई. मतलब आज के टाइम की ये लेडी, और ये मतलब तुम मॉडर्न, अगर तुम्हें ये चीज लग रहा है तो तुमने क्यों नहीं पूरा साड़ी वाड़ी पहन के रखी है, तुमने क्यों ट्राउजर टॉप पहन के रखा है, तुम भी साड़ी पहनो भाई, तुम भी अच्छे से पूरा कवर करके रहो, बुरका पहन के रहो, ताकि तुम्हें कुछ देख ही ना पाए, तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे साथ भी होगा फिर ऐसे. यार सोच, यार मतलब सोच के ना इतना गुस्सा आ गया उस चीज वीडियो को देख के, मतलब दिमाग की बस बैंड बज गई है मेरी तो. मतलब हद है यार, कैसे कोई एक औरत होके, एक औरत कहते ना, ये एक सही, बिल्कुल सही बोला है, औरत औरत की ही दुश्मन होती है, तो ये औरतें ही होती हैं, हम आपस में ही मतलब जेंट्स लोग कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई टॉपिक ऐसा नहीं छेड़ेंगे, लेकिन औरत औरत की ही दुश्मन होती है, तो आज ये साबित हो गया है. ना कोई साबित करता, पर ये साबित आज हो गया है उन लेडी ने जो आज ये बात बोली है. और वो उस चीज को मतलब बिल्कुल भी वो नहीं कर रही है कि मैंने, चलो मुंह से निकल गया या कुछ, मैं गलती मान लू उस चीज के लिए, अप्लाइज उसमें उस लड़की सब बोल रहे हैं कि आप माफी मांग लो, पर नहीं, वो तो साफ साफ बोले जा रही है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, अगर लड़की ऐसे घूमेगी तो ये चीज हो जाएगी. यार आज के टाइम में, पहले तो ठीक है कॉलेजों स्कूलों में भी मतलब लड़कियों का अलग स्कूल होता था, अभी भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना पहले के टाइम पे था कि लड़कियों का अलग, बॉयज लड़कों का अलग होता था, कि उनको अलग अलग पढ़ाने, उनसे बात नहीं करनी. लेकिन आज के स्कूल टाइम में तो सब लोग साथ पढ़ते हैं, सब लोग फ्रेंड्स हैं, अच्छे से बातें करते हैं, वो इतनी रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, कितना चेंज हो गया है आज के टाइम में. और ये क्या बोल रही है, शेम ऑन यू आंटी जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो शेम ऑन यू. सच में अगर आपकी लड़की होती, आप उसके ऊपर सोचते ना, तो तब देखते मैं आपको कैसा लगता, ये चीज आप तब बोल के दिखाते. जब लड़की भी नहीं होती ना, तब भी आप इस चीज को बोल के तो कैसे आपने दिखा दिया. हम जिसके लड़की भी नहीं होगी ना, वो भी इस चीज को नहीं बोल सकती, आपने पता नहीं कैसे इस चीज को बोल दिया है. या तो आप खुद ही औरत नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है कि आप औरत हो ही नहीं इस हिसाब से, तो जिस हिसाब से आपने बोला ये. आज के टाइम पे लड़के कहां से कहां पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए यार, मतलब एक प्लेन तक चला रही हैं, और ये क्या बोल रही है, सिर्फ कपड़ों के ऊपर. यार हद है, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उन्हें कपड़ों का पहनने का कुछ नहीं पता, उन्हें बच्चों को पूरा पहना दो, शॉर्ट पहना दो, कुछ ही पहना दो यार, उनके साथ हो रहा है तो फिर, और मतलब हद है, कैसे कह सकती है ये चीज. आंटी जी बहुत बहुत गंदा बोला है आपने, बहुत आंटी जी भी कहने के लायक नहीं आप, जिस तरह से आपने बोला है ना ये चीज, बहुत ही शेम ऑन यू है आपकी ये बातें बहुत ज्यादा. और आपको तो एक औरत होने का हक ही नहीं है, सही बताऊं तो बिल्कुल भी एक औरत होने का हक है ही नहीं. भगवान ने आपको औरत बना कैसे दिया,
शायद वो गलती करके भूल गए हैं कि हमने बना दिया और वो भूल चुके हैं कि हमने कोई औरत भी बनाई है। अब वो औरत आज के टाइम पे देखी जा रही है कैसी है, एक औरत को नहीं छोड़ रही है यार, क्या बोल रही है, हद हो गई, कुछ नहीं हो सकता। हम तो सोचते हैं लड़कियां आज से कहां पहुंच रही हैं, लड़कों की बॉयज की मतलब जेंट्स सब की लड़कों के बराबर है लड़कियां आजकल, सब इक्वल मानते हैं। किसके अगर एक लड़की पैदा होती है तो सिर्फ वो एक लड़की रखते हैं, दोबारा करने की कोशिश भी नहीं करते कि नहीं मेरी एक लड़की, मैं इसको लड़की की तरह ही हम इसको परवरिश देंगे सब देंगे। लेकिन जिस तरह से ये हरकतें, जिस तरह से बोल रही है, तो कोई लड़की सोचेगा अरे यार ऐसे होता है तो क्या करना, हमें तो नहीं करना लड़की। लेकिन इनकी सोच अगर सब जैसे की सोच जाए तो कैसे होगा काम। यार हद है यार, आंटी जी आपसे तो हाथ जुड़ाए, ये हाथ के जुड़ाए आपको तो हाथ भी नहीं जुड़ना चाहिए। आपने ये बात बोली है ना, बहुत गंदी बोली है और सब लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। जो न्यू क्रिएटर्स है सबको इनको एक स्लैप लगना ही चाहिए जिस हिसाब से इन्होंने बोला है। ना ही गलती की माफी मांग रही है ना कुछ कर रही है, एक स्लैप तो इनको देना ही देना चाहिए। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब वीडियोस बनाई वायरल आंटी के ऊपर और पूरा इनको वायरल कर दो अच्छे से, ताकि इनके घर वालों को भी शर्म आए कि क्या बोला है इन्होंने। घर वाले भी इनको देख के सोचे कि क्या बोल के आई है बाहर, इनको तब भी शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। बस मैं इतना ही बोलूंगी और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इस चीज के ऊपर।